फरीदकोट बीएसएफ कैंपस के गन एंड रोजेज पार्क में स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की अविश्वसनीय जीत के 50 साल पूरे होने के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य 1971 के युद्ध के दौरान बीएसएफ के साथ साथ बीएसएफ आर्टिलरी की भूमिका और उपलब्धि पर सभी रैंकों को जागरूक किया जाना था। इस मौके पर 1971 के युद्ध नायकों जिनमें उप कमांडेंट स्वर्गीय जोगिंदर सिंह और सहायक कमांडेंट केजे ठाकुर द्वारा किए गए वीरता और बलिदान के बारे में जागरूकता पैदा की गई और युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बीएसएफ आर्टिलरी के ब्रिगेडियर राजीव लोवे, सेवानिवृत्त डीआईजी कमांडेंट आर्टिलरी द्वारा उन तमाम तोपों व गन्स के बारे में जानकारी दी गई जिनका 1971 के युद्ध को जीतने में योगदान रहा। वहीं उन्होंने सीमा प्रहरियों को सतर्क रहने और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक और अत्यधिक समर्पण के साथ प्रयास जारी रखने का आह्वान किया। इस मौके पर डिप्टी कमांडेंट महेंद्र सिंह द्वारा गोल्डन विजय दिवस और इसकी पृष्ठभूमि के साथ साथ युद्ध के दौरान बीएसएफ और बीएसएफ आर्टिलरी की भूमिका के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। इम्पोर्टेंट दिवस है हमारे लिए, स्वर्णिम विजय दिवस उस देश को उस दिवस को शामिल करता है, दर्शाता है जब हमने पाकिस्तान के ऊपर 1971 युद्ध में विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद 93,000 युद्ध बंदियों को हमने इंचार्ज दिया। आज ये बहुत बड़ा दिवस है हमारे लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज हम जहाँ पर खड़े हैं, ये भूमि जो जहाँ पर हम खड़े हैं, गन्स एंड रोजेज पार्क है हमारा, इस गन्स एंड रोजेज पार्क में हम ये दिवस मना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात हो।